सीएम शिवराज ने आज इंदौर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली तरीके से नए सर्वटे बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इंदौर जाता हूं तो मेरा मन पवित्र हो जाता है, मैं कहीं भी जाता हूं तो इंदौर के बिना मेरा कोई भाषण पूरा नहीं होता। इंदौर के जनप्रतिनिधि जनता को साथ लेकर चलते हैं। इंदौर श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण है। इंदौर मेरे सपनों का शहर है, अब तो मैं भी इंदौर का हो गया हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वटे बस स्टैंड प्रदेश के अन्य बस स्टैंड के लिए उदाहरण हो सकता है। इंदौर में पब्लिक बाइसिकल सिस्टम शुरू हो रहा है, भोपाल के मुकाबले इंदौर साइकिल की सवारी के लिए बेहतर है। सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर की पहचान गैर और रंगपंचमी आने वाली है। सारी दुनिया देखे कि ये इंदौर की गैर और इंदौर की रंगपंचमी है, सभी लोग शालीनता से इसमें शामिल हो। उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से अफसरपुर तालाब में गंदा पानी नहीं जाएगा, तालाब में उपचारित जल ही जाएगा। हम इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। इंदौर की जनता की इच्छा शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। शहर के मध्य में स्थित पुरानी सरवटे बस स्टैंड के स्थान पर 14 करोड़ 80 लाख की लागत से अपने बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। इस नवनिर्मित बस स्टैंड में बसों की पार्किंग के लिए पर्याप्त खाली स्थान आरक्षित है। इसके अलावा रिक्शा पार्किंग की पृथक व्यवस्था के साथ यात्रियों को छोड़ने व ले जाने वाले निजी वाहनों के लिए भी अलग स्थान आरक्षित किया गया है। ठाकुर जी वर्चुअली जुड़े हुए हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवाई।